की जो हमारी रेसिपी है ये है क्रिस्पी चावल के आटे की चकलियाँ। ये 10 मिनट इसको लगता है, बहुत ही इंस्टेंट है, आपको भाजने कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये रेसिपी ट्राई कीजिए और हमें कमेंट बॉक्स पे डालिए कि आपने ट्राई की रेसिपी, आपको कैसी लगी। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिए। सो पूरी रेसिपी स्टार्टिंग से एंड तक देखिए ताकि आपको समझेगी हर एक वो ट्रिक जिसके वजह से ये क्रिस्पी बनती है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। नासिक में हम कुकिंग क्लासेस लेते हैं लेकिन उसके साथ ऑल ओवर इंडिया, इंडिया के बाहर हम देते हैं ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस। अगर आपको हमारे किसी भी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्ट है बस फोन उठाइए और डायल कीजिए 9325294757 या 9850746889। अगर आप हमारा नंबर नहीं लग रहा है तो व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के आप डिटेल ले सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने डिटेल डाले हुए हैं। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है इंस्टेंट चकली, क्योंकि चकली जनरली जो हम लोग क्लासेस में लेते हैं वो प्रोफेशनल वे रहता है, भाजली बना के फिर हम लोग बनाते हैं, लेकिन ये ऐसी चकली है बस 10 मिनट में झटपट सामान जमा कीजिए और चकली बनाइए। सो हम स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। 180 ग्राम चावल का आटा, 60 ग्राम ये है रोस्टेड चना दाल, 2.5 टेबल स्पून बटर, 1 टीएसपी तिल, 1 टीएसपी जीरा, 1 टीएसपी ये है पेपर पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक। सबसे पहले रोस्टेड चना दाल को हम लोग पीस लेंगे। इसके बाद हम ये रोस्टेड जो मैंने पीसा था इसको मैं एक बार छान लेती हूँ, फिर हम चावल के आटे को भी छान लेंगे। इसको भी मैं छान लेती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे 2.5 टेबल स्पून बटर रूम टेम्परेचर पे, फिर हम लोग इसमें डालेंगे हरी मिर्ची। मैं मिर्ची बताना भूल गई थी तो मैं हरी मिर्ची चॉप करके थोड़ी सी डाल रही हूँ, ऑप्शनल है, अगर आपको चाहिए तो डालिए, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। फिर हम इसमें डालेंगे कुटी हुई काली मिरी, देन जाएगा इसमें तिल और जीरा। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसमें मैं नमक भी डाल देती हूँ, सिर्फ याद रखिए हम बटर डाल रहे हैं तो नमक थोड़ा कम संभाल के डालिए। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बटर को अच्छे से रब रब करके आपको मैदे में मिक्स करना है। सो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सो अब हम इसमें पानी डाल के आटा गूंद लेंगे। सो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसमें आटा गूंदेंगे। ये हमारा आटा गूंद के रेडी है, मैं इसको पहले प्लेट में ट्रांसफर करती हूँ। सो ये हम आपको इसको अच्छे से गूंद के लेना है, 3 से 4 मिनट इस आटे को अच्छे से गूंदिए और फिर हम लोग इसको डालेंगे चकली यंत्र में। आटा बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत थिक भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ अब आप चकली कैसे बनाओगे। पहले हम लोग चकली यंत्र को अंदर से अच्छे से तेल लगा ले, मैंने अंदर से तेल लगा लिया है। अब हम इसका बैठे उतना हम लोग आटा डालेंगे, मैंने इसका ढक्कन लगा लिया है। अब हम चकली बनाएंगे। अब हम इसकी चकली बनाते हैं, ऐसे राउंड घुमाइए, ओके, और जितनी बड़ी आपको चकली बनानी है उतनी बड़ी बनाइए। अगर आपका बहुत आटा बहुत लूज होगा तो जो ये कांटे इस पे आए हैं वो नहीं आएंगे। सो अभी एक और मैं बना के दिखाती हूँ। धीरे धीरे सिर्फ गोल इसको घुमाइए और जहाँ एंड होता है उसको चिपकाना है आपको एंड को, ओके। सो ये जो एंड पार्ट है इसको आप यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो तेल में खुल जाएगा ये। सो अब हम इसे तल लेते हैं। सो मैंने तेल में डाल दिया है। सो जब ये बबल्स ख़त्म हो जाते हैं तो वो टाइम रहता है कि आपकी चकली तल गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को समझता नहीं है कि कब तक तलना है। सो आपको ये बबल्स दिख रहे हैं आजू बाजू, जब ये बबल्स पूरे रुक जाएंगे इसका मतलब आपकी चकली निकालने के लिए रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ 2 मिनट के बाद। आपको मीडियम तेल पे ही तलना, जैसे ये 3 मैंने पहले डाली थी, ये बाद में, तो इधर बबल्स ज़्यादा है, ये भी देखिए इसका बबल ख़त्म हो गया है, तो ऑलमोस्ट ये हो चुकी है, ये होनी बाकी है। सो इसका कलर पूरा लाल नहीं करना है आपको, थोड़ा सा ही लाल करना है। सो ये 3 मैं निकाल लेती हूँ, 1 वो बाद में निकालती हूँ मैं। सो ये हमारे क्रिस्पी चावल के आटे के चकली रेडी है।
मैं आपको इसको पास से दिखाती हूँ कितने क्रिस्पी बने, मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ तो आपको आवाज से समझेगा कि कितने क्रिस्पी है। आपको इसको इसकी आवाज सुनाती है कि कितनी क्रिस्पी है। तो ये देखिए आपको आवाज आ रही है और ये देखिए पूरे कितनी क्रिस्पी है कि हाथ से भी आपने अगर ऐसे किए तो भी इसका चूरा हो जाता है। सो ये रेसिपी ट्राई कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े।